Hello and welcome to India's number one coaching institute with well-experienced and well-qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic-wise video solution will also be provided. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. Hello and welcome to Aspire Adda. प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के लिए हमने बायोलॉजी कंप्लीट कर दिया है. अपने YouTube चैनल Aspire Adda पे बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई है और उसमें से बच्चे बोलते हैं कि सर वो पढ़ा दो, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज पढ़ा दो. तो जरा आप अगर मुझे क्षमा करेंगे तो मैं आपसे ये पूछूं, कोई भी किताब उठाओ, मेहरबानी करो, उस किताब में लिखा होगा कि भाई सेल इसने डिस्कवर किया, फलानी चीज इसने डिस्कवर की, डिमका इसने डिस्कवर किया, स्टेथोस्कोप इसने डिस्कवर किया. उसमें समझाने वाला क्या है? किताब से ही चीजें पढ़नी है. तो चलो बाद में पढ़ा देंगे टाइम जब पेपर और नजदीक आ जाएगा. केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई हुई है, बायोलॉजी कंप्लीट हो गई है, फिजिक्स में लाइट चैप्टर हुआ है और उसका हमने टेस्ट भी लिया था. अब लाइट के बाद सीक्वेंस में हम चलेंगे साउंड. आपके टॉपिक में, आपका जो सिलेबस है उसमें साउंड लिखा हुआ है. तो जो साउंड होती है ना, ये एक वेव होती है, इसलिए साउंड को वेव टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है. अब हम साउंड कंप्लीट करेंगे. मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं इस वीक का क्या शेड्यूल रहेगा हमारा. कंप्यूटर हमने 95% कवर कर दिया है. कंप्यूटर के लॉजिक गेट्स रहते थे तो लॉजिक गेट प्रीवियस चैप्टर में या पिछले दो लेक्चर 41, 2, 3 में पढ़ा दिया है. और उसके बाद लॉजिक गेट्स के एमसीक्यू आएंगे. अब अगले नेक्स्ट लेक्चर लॉजिक गेट का एमसीक्यू आएगा और फिर कंप्यूटर के शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी, क्या क्या पढ़नी होती हैं. उसके बाद हम फाइनल बता देंगे कि भाई लिख देंगे कि कंप्यूटर का सिलेबस Aspire Adda ने 100% कवर किया है और ये 50 लेक्चर्स में हो जाएगा. 50 लेक्चर एक सब्जेक्ट के कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको, खास करके कंप्यूटर के. फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट होते रहे हैं उन टेस्ट का वीडियोज बनाएंगे. तो चलो वेव्स पढ़ते हैं. क्या होता है वेव्स? जब भी किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया जाता है और मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, उसी डिस्टर्बेंस को बोलते हैं वेव. पानी रुका हुआ है और पानी पे पत्थर मार रहे हो तो वेव है. एक रस्सी का एक हिस्सा दीवार के साथ बांधा हुआ है और दूसरे हिस्से को आप अप डाउन कर रहे हो, बीच में क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहा, यानी कि ऐसे करके ठुमका लगा रही रस्सी, ऐसे अप डाउन, तो ये भी वेव है. उसके अलावा स्प्रिंग जो होती है, जो स्प्रिंग होती पेन के बीच पड़ती है या कहीं भी, इस स्प्रिंग को आप दबा रहे लूज कर रहे, दबा रहे लूज कर रहे, तो ये भी वेव है. अब वेव्स दो किस्म की होती हैं. जनरली वेव तो बहुत किस्म की होती हैं, बट हमारे सिलेबस के मुताबिक अगर हम बात करें तो वेव्स दो किस्म की होती. एक होती मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एक होती मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब मेरे प्यारे बच्चों, इनमें फर्क क्या है? अगर मैं चांद पे चला जाऊं और मैं आपको बोलूं क्या हाल है, ठीक हो, बल हो, तो चांद पे मेरी आवाज आपको नहीं आएगी क्योंकि चांद पे हवा नहीं है, यानी कि चांद पे मीडियम नहीं है. तो जब चांद पे हवा नहीं है यानी कि मीडियम नहीं है, तो चांद पे मेरी आवाज आपको नहीं आएगी. वो वाली वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है चलने के लिए, उन वेव्स को बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स. और वो वाली वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती उनको बोलते
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दूसरा नाम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी होता है। अब इस मैकेनिकल वेव्स में ये दो किस्म की होती, एक होती लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक होती ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूड वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। इसमें ये जो नीचे लिखा है साउंड वेव, इसको जरा आप भूल जाओ, ये हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट वेव होती, माइक्रोवेव्स होती, इंफ्रारेड वेव्स होती, एक्सरे होती, अल्ट्रावायलेट होती, रेडियो वेव्स होती, ये हम पढ़ेंगे। यानी के अगले चार पांच दिन में जो लेक्चर आएंगे वो होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की प्रॉपर्टीज, ट्रांसवर्स वेव्स और उनकी प्रॉपर्टीज, और फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है यहां तक? अब मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखो, हमने अभी आपको पढ़ाया कि वेव्स दो किस्म की होती हैं, एक होती लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती ट्रांसवर्स वेव। अभी मैं डेफिनेशन पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूं कि जो वेव ये वाली हो, जिसकी शक्ल ये हो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स वेव। आप यहां देखो, ये अप डाउन नहीं है, ये आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली वेव है। इस वेव को बोलते लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, बाकी ये जो ऊपर लिखा है इसको काट दो, अभी सिर्फ आप शक्ल याद रखो। मुझे पता है आपको कौन सी चीज कब और कैसे सिखानी है। इसको बोलते लॉन्गिट्यूडनल वेव और इसको बोलते ट्रांसवर्स वेव और इसको बोलते लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब एक एक करके मैं इनके बारे में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। फिगर आपने देख ली ना, ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है। अब देखो, मैं यहां लिख रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ना, पहले मैं ऐसा करता हूं, पहले मैं लिखता हूं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव, ये हम यहां पे पहले पढ़ेंगे। देखो, जनरली कंपिटेटिव एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती हैं, बट वेव ऐसा टॉपिक है जिसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। जेकेएसएसबी स्टोर कीपर 2018 के पेपर में इसकी डेफिनेशन पूछी हुई थी। अब देखो, मान लो यहां पे एक दीवार बना दी मैंने, ये एक दीवार है, वॉल है, उसके साथ ये रस्सी बांध ली, और यहां पे एक मास्टर हैं जो इस रस्सी को अप डाउन अप डाउन अप डाउन बैठ के रस्सी को अप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये रस्सी अप डाउन हो रही है, तो ये क्या बन रही है? वेव बन रही है। क्या बन रही है? वेव बन रही है। अब वेव कैसी बन रही है? ट्रांसवर्स वेव बन रही है। अब जरा गौर से सुनना, वेव चल रही आगे, ये रेड एरो है वेव का, और वेव के पार्टिकल्स चल रहे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। वेव चल रही आगे, पार्टिकल चल रहे ऊपर नीचे। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल चल रहे ऊपर नीचे और वेव चल रही आगे, ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसमें पार्टिकल और वेव के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है। यानी कि अब मैं लिखने जा रहा हूं डेफिनेशन, वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन
परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, यानी के जो मीडियम पार्टिकल है वो ऊपर नीचे और मीडियम वेव चल रही आगे पीछे, वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव चल रही आगे पार्टिकल चल रहे ऊपर नीचे, ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते? ट्रांसवर्स वेव। अभी मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन पढ़ाई, अब आप क्या करो अपने नोट्स पे नोटबुक पे ट्रांसवर्स वेव की ये फिगर बना दो, ये जो बनी हुई है, और इसकी डेफिनेशन लिख दी। अगर आपने इतना कर दिया है तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखते जाओ। एक बार फिर से ये वेव बनाओ और जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं वो लिखो। क्या? ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ब्लैक, ये वाला, इस हिस्से को बोलते क्रेस्ट, सी आर ई एस टी, क्रेस्ट। क्या बोलते इस हिस्से को? क्रेस्ट। और ये जो नीचे वाला, मैं इसको जरा कलर अलग लेता हूं, ये जो नीचे वाला रेड वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं ट्रफ। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? ट्रफ। ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया क्रेस्ट, नीचे वाला हो गया ट्रफ, ये वाला हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ, ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ। व्हाट इज क्रेस्ट? द एरिया ऑफ वेव अबव मीन पोजीशन इज नोन एज क्रेस्ट एंड द पोर्शन ऑफ वेव बिलो मीन पोजीशन इज नोन एज ट्रफ। अभी लॉन्गी ना ट्रांसवर्स वेव के बारे में हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ दिया क्रस्ट और दूसरा पढ़ दिया ट्रफ। अब ये चीजें इतनी सिंपल हैं कि डेफिनेशन लिखाना नाजायज है, गलत है और बेबुनियाद है और पाप भी है, यहां पे पाप लगता है। जिन चीजों को लिखाना जायज है, जरूरी है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? आप देखो और ज्ञान की बातें, पॉइंट नंबर वन हमने पढ़ दिया, आप देखो गौर से सुनना। वेव कहां से स्टार्ट हो रही? यहां से। आधा हिस्सा वेव का ये और आधा हिस्सा वेव का ये, अगर मैं इस हिस्से को यहां से काटूं और यहां पे जोड़ूं तो बन जाएगा सर्कल। क्या बन जाएगा? सर्कल। इस लंबाई को बोलते हैं फिजिक्स में वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ। अब मैं वेवलेंथ की अलग अलग डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती हैं। तो पहली डेफिनेशन, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज वेव, ठीक है? और एक तरीका तो ये, एक दूसरा तरीका देखो, ये वाला ब्लैक कलर का क्या है? क्रस्ट। और ये वाला क्या है? ट्रफ। क्रस्ट कहां से शुरू हो रहा है? यहां से। दूसरा क्रस्ट कहां से शुरू हो रहा है? यहां से। तो इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के बीच जो डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको भी बोलते हैं वेवलेंथ। ये भी क्या है? वेवलेंथ। तो दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। जहां जहां डाउट होगा नीचे डाउट लिखना कि सर ये समझ नहीं आया, ये आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो फिर मुझे पता चलेगा कि किस लेवल तक जाना है। इस ऑनलाइन का एक ड्रॉबैक भी है कि ज्यादा मेहनत नहीं हो पा रही है, बच्चों की एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहा हूं मैं। देखो मेरी एक बात सुनना, अगर मैंने चीजें याद कर ली, रट ली और आपको पढ़ा दी, ना पढ़ा, मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मैंने चीजें याद कर ली, रट ली और आपको सुना दी,
उससे मैं चीजें सुना रहा हूं और आप चीजें सुन रहे हो, ना मैं पढ़ा रहा हूं ना आप पढ़ रहे हो, और ऐसा काम चल रहा है। बोर्ड पर लिख दी चीजें, ठुमका मारा, सुनाया और बच्चे खुश हो गए। ऐसी चीजों की बरकत ज्यादा देर तक नहीं रहती है, ठीक है। अब रियलिटी में तब मजा आएगा जब आप बच्चे मेरे सामने होंगे, मैं आपके सामने हूंगा, तब आपको पता चलेगा कि टीचर में गहराई कितनी है और आप में पढ़ने का शौक कितना पैदा हो रहा है। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आप एस्पायर अड्डा के हेड ऑफिस में आ जाओ, ऑफलाइन क्लास बैठो, नोट्स लो, किताबें लो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लो, पेपर्स लो, लर्निंग कर दो। और ये जो टीचर्स की वैकेंसी के लिए बात चल रही है, मैं आपको आज इस वीडियो में फुल 100% गारंटी के साथ कहता हूं, जो बच्चे एस्पायर अड्डा के पेड जीएस ग्रुप में हैं, इस बार उनको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हां, एक चीज रोक सकती है, अगर वो बच्चे लेक्चर रिसीव करते रहें और मूंगफली खा के टीवी देखते रहें, तब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हां, कंटेंट पढ़ रहा और पेपर में आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी है। तो अपने कमर कस लो, अपनी सॉक्स कस लो, तैयार हो जाओ मुकाबले के लिए। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रैश या ट्रफ, इसको भी बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अब एमसीक्यू में भी बाकी बातें करेंगे। वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? भाई वेव है, लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट तो मीटर ही होता है, एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, ठीक है। अभी मैंने आपको वेवलेंथ की डेफिनेशन पढ़ाई है। अच्छा, एक बात और, आप नीचे कमेंट सेक्शन में यह भी लिखना कि वीडियो जो है ये 30 मिनट से छोटा रखा जाए या 30 मिनट से ऊपर एक घंटे का किया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना तो आपको ही है, इसलिए जरा आप ये। तो मैं नहीं चाहता हूं, एस्पायर अड्डा से हमें इंस्ट्रक्शन है हेड ऑफिस से कि बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखा जाए, कहीं एक घंटे का लेक्चर बना के बच्चों की आंखें ना प्रॉब्लम में आ जाएं। और यह भी हमें इंस्ट्रक्शन है कि डेली ज्यादा लेक्चर भी देने से बच्चों पे बर्डन पड़ जाएगा, पहला लेक्चर कंप्लीट होगा तभी बच्चों को नया लेक्चर दिया जाए। आप चलते आगे, आप समझते हो हमारी बातें, अच्छे बच्चे हो। वेवलेंथ के बाद दूसरा पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। ये मीन पोजीशन है ये वाली, ये मीडियम का पार्टिकल ऊपर जा रहा, ये मीडियम का पार्टिकल ऊपर जा रहा और ये मीडियम का पार्टिकल ऊपर जा रहा, सबसे ज्यादा दूर कौन वाला गया, ये वाला। यहां पे सबसे ज्यादा दूर कौन सा गया, ये वाला। यहां पे सबसे ज्यादा दूर कौन गया, ये वाला। यहां पे सबसे दूर कौन गया, ये वाला। यहां पे सबसे दूर कौन गया, ये वाला। वेरी गुड, इसको बोलते हम एम्पलीट्यूड। क्या बोलते इसको, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन। कोई भी पार्टिकल अपने मीन पोजिशन से कितना ऊपर जाता या कितना नीचे आता, इसको बोलते एम्पलीट्यूड। क्या बोलते इसको, एम्पलीट्यूड। अभी मैं डेफिनेशन में पढ़ा रहा हूं, फिर प्योरली और स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड चीजों में भी आने वाला हूं। एम्पलीट्यूड पे क्या क्या चीज डिपेंड करती है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होगी। हमने पढ़ा क्रेस्ट क्या होता, ट्रफ क्या होता, हमने पढ़ा वेवलेंथ क्या होता और हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड क्या होता। अब देखो, यहां से लेके यहां तक बन गई एक साइकिल, ये होगी एक साइकिल। यहां से लेके यहां तक बन गई दूसरी साइकिल,
यहां से लेके यहां तक बन गई तीसरी साइकिल, एक सेकंड में कितनी साइकिलें बनी? एक, दो, तीन। एक सेकंड में जितनी साइकिलें बनती हैं इसको बोलते फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो डेफिनेशन, नंबर ऑफ साइकल्स, नंबर ऑफ साइकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन सेकेंड। नंबर ऑफ साइकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा वेव क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, क्रस्ट क्या होती है, ट्रफ क्या होती है। मैं अभी ट्रांसवर्स वेव के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और एम्पलीट्यूड पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ी। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और, यहां से जाने में यहां तक वेव को कितना टाइम लगता है इसको बोलते हम टाइम पीरियड। क्या बोलते? टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, इसको क्या बोलते? टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा वेव क्या होता, वेव के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ एग्जाम में आई हुई चीजें, कुछ नोट्स लिखाऊंगा। आखिर लड़की की आवाज बारीक क्यों होती है और मर्द की आवाज शेर जैसी क्यों होती है? चलो, यहां मैं कोई इंफेरियरिटी और सुपीरियरिटी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बोलने का अंदाज ये है ताकि पढ़ाई में एक नया लहजा लाया जाए, नया मजा लाया जाए। फिर बताऊंगा मैं आखिर क्यों आर्मी वाले कुत्ते को अपने साथ रखते हैं, लूमड़ी को काहे नहीं रखते? वो लड़ाई में तो बहुत अच्छी होती है, वो कालू टंकी है, ये कुत्ते का क्या रोल है? आखिर क्यों बैट रात को चीजू को देख के झपट्टा मार के पकड़ता है? उल्लू, आपको नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बोल रहा हूं, उल्लू रात को देख के कैसे चीजू को पकड़ लेता है? आखिर क्यों जब अर्थक्वेक आती है तो कुत्ते बैट वगैरह ऐसे जानवर भागने लगते हैं? क्यों जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो छोटा बच्चा भी रोने लगता है? कैसी कैसी वेव्स होती हैं और हम कैसे सुनते हैं, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ। मैंने फिर से बोल दिया कंप्यूटर के लगभग 43 लेक्चर आ गए हैं, सिर्फ दो लेक्चर्स और आएंगे और कंप्यूटर खत्म, और उसके बाद में आपको 50 से 60 प्रीवियर पेपर्स कराऊंगा डेली के दो। और आपको मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर में सिर्फ एस्पायर अड्डा ही है जिसने पिछले 3 से 4 महीनों में लगातार कंप्यूटर के क्वेश्चन का टेस्ट डाला है, और वो सारे एमसीक्यू हाई लेवल के हैं, स्टैंडर्ड के हैं, प्रीवियर पेपर्स के हैं। सैटरडे संडे को हम ऑफ देते हैं। अब वो जितने भी टेस्ट हुए हैं, अंदाजा लगाओ एक महीने में 30 दिन होते हैं और 40 यानी के 3-4 महीने लगातार हमने टेस्ट जो डाला है, उन सब टेस्ट की अब मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। अब नया कंप्यूटर पढ़ने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए आपको। अब जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तो एमसीक्यू से आपको उसके आंसर पता होने चाहिए, डिटेल में एक्सप्रेशन डिटेल में करेंगे। उसके बाद आप में से जो भी बच्चा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल इंसान से पढ़ना चाहता है, देखो अगर मैं टीचर हूं, मैंने इंजीनियरिंग किया है तो मैं इतने सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो अकाउंटेंसी भी पढ़ा लेता, बट अकाउंटेंसी का एक प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए जो इस फील्ड से ताल्लुक रखता हो।
एक डॉक्टर जैसे बायोलॉजी पढ़ाएगा ऐसे एक इंजीनियर बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता है, और एक इंजीनियर जैसे कंस्ट्रक्शन की बातें बताएगा ऐसे डॉक्टर नहीं बता सकता है। हर चीज का अपना, हर इंसान की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है। आप मछली को बोल दो कि पेड़ पे चढ़ जाए और बंदर को बोलो तैर के बताओ तो पॉसिबल नहीं है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का स्पेशल पेड बैच है, इसमें जो फैकल्टी हैं वो फील्ड की माहिर फैकल्टी हैं, उनको 7 साल का फील्ड का तजुर्बा है और अब टीचिंग आपके साथ आए हैं, मतलब उनको शौक भी है पढ़ाने का, तो इसलिए टीचिंग के लिए वो टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं। आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। अब आपको पता है जेकेएसएसबी टीचर की वैकेंसी के लिए कई बात लग रही है। मैं आपको बताऊं, मुझे आज भी जेकेएसएसबी 2018 के टीचर के वो क्वेश्चन याद हैं, कैसे कैसे एग्जामिनर पूछा, प्री कैम्ब्री नीरा कब क्या कहां होती है, प्री कैम्ब्री नीरा कब स्टार्ट होती है, कार्बोनी फिरस इरा कब स्टार्ट होती है, कौन सी नेशनल पार्क को बोरीवली नेशनल पार्क बोलते हैं, रावत बाटा एटॉमिक पावर प्लांट कहां है। ऐसी चीजों को अच्छे डिटेल में समझने के लिए हमारे जीएस के इस वक्त 5 बैच चल रहे हैं, कंपटीशन बहुत हो रहा है। छठा बैच हमारा 5 सितंबर को बैठने वाला है, नेक्स्ट बैच नेक्स्ट वीक को बैठेगा, हर वीक में एक एक बैच बैठता है। तो आप इस नंबर पे 8716004444 इस नंबर पे कॉल करो ताकि बैच की क्लास बैठने से पहले ही हम आपके घर में नोट्स दे दें, आपको नोट पहुंच जाए, हाइलाइटर ले लो और बेहतरीन तरीके से घर बैठ के एस्पायर अड्डा के साथ तैयारी करो। क्वालिटी में आपको कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई पता चल जाएगा भाई क्वालिटी है, चीजें पढ़ी हैं, पेपर में आई हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। वेव चैप्टर पूरा चलेगा, अब उधर से जो मैथ का पेड फ्री वाला लेक्चर्स हैं वो भी कंटिन्यू आएंगे। तो आप जरा इन चीजों को शेयर कीजिए, क्योंकि एक बात मैं बताऊं, एक बात ये तो मैं अपने बच्चों को बताता हूं और आप भी अपने बच्चों को बताना। बातें जरा ज्यादा होगी आज, ज्ञान ज्यादा हो गया, चलो सुन लो थोड़ा सा और। अगर अच्छा कोई काम, कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है और उसको अच्छा काम करने का सिला ना दिया जाए, शाबाशी ना दी जाए, तो वो अच्छा काम करना छोड़ देता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है। हमारे कंटेंट को लेके एस्पायर अड्डा को एशियन एजुकेशन अवार्ड मिला है, बेस्ट एजुकेशन इन द रीजन, बेस्ट कंटेंट के लिए, बट व्यूज बहुत कम होते हैं, वो इसलिए कि पता नहीं है बच्चों को। मंदिर मस्जिद में बहुत कम बंदे होते हैं, मैंने पहले भी एक दिन बोला था, और मदारी पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको जरा शेयर करेंगे आप, तभी हमारी हौसला अफजाई होगी। तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है, प्लीज इसको जरा शेयर कीजिए, और जहां पे डाउट है वहां पे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अगले लेक्चर में मिलेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए, हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए, हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे
पीडीएफ नोट एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट से हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेल, इट इज हार्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। ड्यू टू कोरोना वायरस वी हैव ब्रेक द सिचुएशन एज अर्लियर इट वॉज, बट टाइम नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it goes. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.